अब उन्होंने बताया कि अखबार में तो समाचार मेरे को कोई अंदर गड़बड़ होगी थी मतलब जैसे गड़बड़ के कारण से, इसीलिए वहां पर मेरे को बताया उसने साहब कि ये मैंने बॉम्बे से कर लिया। आज भी एक महिला आई है वो हॉस्पिटल में करता है, आज उसने भेजी उस औरत को तो अड़के से बैठे मेरे होटल के आगे साथ चली जा। अभी आई थी मेरे पास दिन में आश्रम का दोनों खाती है खाती है, तो मैं उठा आज आजा शाम को। तो योग का मतलब है आत्म साक्षात्कार। मैं आपको आपसे अब जैसे अभी रॉकेट गया चंद्रमा पे, इस तरह से हमारे भी मतलब शरीर में जो यंत्र है बिल्कुल उसे टैली करते हैं, जो अंदर है वही भारत, जो ब्रह्मांड है वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड है, भारत का प्रतिरूप है असलियत अंदर है। योग में पांच प्रकार के वायु होते हैं, प्राण अपान सम्मान उदान और ज्ञान। प्राण वायु तो स्वामी रामदेव करवाता फिजिकल एक्सरसाइज, अपान वायु धारू से नीचे नीचे निष्ठा से उसको बाहर फेंकता है, और कुंडली जो है रीढ़ के टी के आखिर हिस्से में जैसे आप बाहर राधा कह दो सीता कह दो पार्वती कह दो अम्बा कह दो दुर्गा कह दो, हमारे योगी ने उसको कह दिया कुंडली। वो साढ़े तीन आठ लगा करके अपने दो कुंभों में दबा करके गवर्नमेंट पोजिशन में असल अवस्था में जाती है। तो कोई गुरु प्रसिद्ध गुरु है तो गुरु आज गुरु पद सड़क में नहीं मिलता, आज जितने भी गुरु हैं मैंने बताना चाहता उनका कोई गुरु नहीं, रविन्द्रनाथ जी के शरण में नहीं जाता कुछ भी नहीं था, मैं आपकी तरह ही गृहस्थी आदमी था, उनके आशीर्वाद से हेलू की कृपा से ये सब हो। तो स्वामी आपने नाम जब किया आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी, वो बेसमेंट में है उसको ऊपर यहाँ पहुंचना है, इसलिए मैं जब नाम जब करो तो योग होगा, खासतौर से सुषुम्ना तो होगा। पहला पहला आसन लगा था जिससे मूलाधार मैं बंद लग जाएगा, जिसको आप चाह करके नहीं लगा सकते ऊपर उठते कुंडली नाम से ऊपर उठे बंद लग जाएगा उड़ान बंद ऊपर कंठ का बंदा कंठ को इसमें लग जाएगा बंद है, तीसरा बंद है चार अंदर बंद, और बाकी जो हिस्सा रह गया उसमें हर तरह का संभव नहीं है अपना मतलब मूवमेंट, तो प्राणायाम प्रोग्राम आखिरी आखिर प्राणायाम। आजकल तो लोग पहले प्राणायाम करते हैं, स्वामी रामदेव का पर्व होते पता नहीं क्या करता है, समाधि का मतलब ये तो उछल कूद कराता है, समाधि का मतलब उछल कूद नहीं है, सांस बैठ करके उस निर्गुण आकाश से मिल जाओ पृथ्वी का आकाश तो मिले बड़े बहुत से सालोशन है, तीन में भाई वैसे में गया वहां भी देखता है। अब की मैं कहता है तुम्हारे गवर्नमेंट चाहती है ये ज्ञान प्राप्त करना तो भारत सरकार से बात कर लेना, वो भेजेंगे तो आओ नहीं तो नहीं भी इधर आओ। तो ये सामयिक विद्या का प्रोग्राम सालों से चल रहा है, तो चीफ मिनिस्टर राजस्थान ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, वो सुन रहा थे अरविंद माधुर आए और पूछा तो कहना जी यहाँ कोई हॉस्पिटल तो नहीं है, इन्होंने लिस्ट पकड़ा दी और कह दिया भंवर और दूसरा बड़ा पेशेंट जो है बद्री वो तो आपने डिस्चार्ज किया था उसको हम आदर कर सकते हैं,
भवन में तो आ भी भेजा है वो उसका इसमें तस्वीर बताया यही आदमी है वो भेजा हॉस्पिटल चला जाता है और भेजता रहता है तो भवन को मंत्र से क्या हो गया तभी वो केवल तस्वीर से हो गया तो दोनों स्थितियां मेरे को एक साथ होगी इसलिए मेरी तस्वीर से हो रहा साफ कर सर्वधर्म पर